हेलो एवरीवन, सीबीएसई आरटी कैंडिडेट्स कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और रिजल्ट देखने के लिए मात्र केवल कुछ ही टाइम और समय और दिन बचा हुआ है। राइट, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगस्त का महीना चालू हो चुका है, आज है 1st अगस्त। मैंने आपको एग्जैक्टली जो डेट बताया था, एग्जैक्टली जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया था, उसकी फाइनल प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया है ना कि अगस्त के 1 तारीख से लेकर 5 तारीख में 100% जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपके रिजल्ट आपके हाथ में आएंगे। साथ साथ एक ट्विस्ट भी है, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आई, आर्टिकल ने क्लेम भी कर दिया कि सीबीएसई जो है अपनी रिजल्ट 3 से 4 तारीख तक डिक्लेयर करेगी। याद करें, आज से 5 दिन 4 दिन पहले मैंने आपको ये चीज बता रखा था, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में 100% रिजल्ट आएगा और सीबीएसई जो है कभी भी नहीं बताएगी कि वो कौन सा डेट है। मतलब हमें इंतजार करना है। आज मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है तब भी वीडियो देखते हुए तब तक आपका रिजल्ट आउट हो चुका होगा। जनरली हम क्या करेंगे कि जैसे ही आएगा हमारे पास अपडेट आ जाता है, आते ही हम आपको बता देंगे, फिर आपको वेबसाइट से भी आपको देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज, रिजल्ट का एंजाइटी है, टेंशन है, सरप्राइज, हम लोग बहुत एक्साइटेड है अपने रिजल्ट देखने के लिए, साथ ही साथ टेंशन में भी है। राइट, वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल्स ने भी फाइनलाइज कर दिया है कि 3 से 4 तारीख तक जो है बच्चे रेडी रहें अपने रिजल्ट के लिए। सीबीएसई एक्सपेक्टेड डेट भी वैसे ही कुछ रखी है, 1 से लेकर 5 तक मैं बता चुका हूँ। सो डेफिनेट सी बात है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मे बी आज भी आपका रिजल्ट आ सकता है, नो डाउट, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सो आप लोग डेडलाइन पर हैं, रेड जोन पर हैं रिजल्ट के, और रिजल्ट कभी भी आउट होगी, सर्वर क्रैश ना हो या सर्वर में कोई दिक्कत ना, इसलिए सीबीएसई बताती नहीं है। अब क्या है, जनरली वो एक पर्टिकुलर वीक बता देते हैं, एक जो एक्सपेक्टेड चीजें बता देते हैं, बट एग्जैक्टली कब बताते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा पहले ट्वीट करके या मैसेज आता है या नोटिफिकेशन आता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अच्छी खबर है बच्चों के लिए, उसके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। फोटोकॉपी, रीएवेल्युएशन प्रोसेस, देन आपका जो भी सीबीएसई में इंक्लूडेड होती है, मतलब कि आप लोगों का कॉपीज को रीचेक करवाना, देन फोटोकॉपी मंगवाना, ये सारे चीज़ें सीबीएसई फिर से आप लोगों को फैसिलिटीज देगी। अगर आपको लगेगा कि आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपको लगेगा कि आपके कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, तो यू कैन गो फॉर इट। उसके लिए कुछ जेन्युइन चार्जेस लगते हैं जो कि सीबीएसई ने अभी तक रिवील नहीं किया है कि चार्जेस क्या लगेंगे, बट डेफिनेटली वो बताएंगे। सो बी रेडी, प्रे टू गॉड फॉर योर क्या कहते हैं, अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, एंड आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। प्रे फॉर योर बेटर रिजल्ट, गुड रिजल्ट। और मुझे होप है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है भगवान पर, अल्लाह पर, जीसस पर, कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं सबके बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट आउट होने वाले हैं और अच्छा आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने काफ़ी कुछ ग्रेस और मॉडरेशन का शब्द इस बार प्रयोग किया है, यूज़ किया है, बताया है और बच्चों को दिया भी है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, और तो और मेरे प्यारे दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तुरंत आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।